देश के टेलीकॉम सेक्टर में एक दफा फिर से कड़ी जंग छिड़ गई है। जंग के इस मैदान में दो ही खिलाड़ी मौजूद हैं, एक है मुकेश अंबानी की जियो और दूसरी है सुनील मित्तल की भारतीय एयरटेल। पिछले कुछ वर्षों से टेलीकॉम मार्केट में एक सीज फायर जैसा चल रहा था और दोनों ही दिग्गज कंपनियां गला काट प्रतिस्पर्धा से उभरते हुए अपने कामकाज में लगी हुई थी, लेकिन अब फिर से जियो और एयरटेल आमने सामने आ गई हैं और इस जंग में अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई की भी एंट्री हो गई है। इस दफा मामला ब्रॉडबैंड प्लान्स को लेकर शुरू हुआ है। हालांकि जंग की शुरुआत भारतीय एयरटेल की तरफ से की गई है, जहां कंपनी ने ट्राई के पास इस बात की शिकायत कर दी कि वो जियो फाइबर के बैकअप प्लान्स को ब्लॉक कर दे। एयरटेल ने कहा था कि जियो के ये प्लान बेहद आक्रामक हैं और इससे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को नुकसान होगा, साथ ही इससे डीटीएच डिजिटल टीवी में कारोबारी गैर बराबरी का माहौल तैयार होगा। सीधे समझें तो कहानी यह है कि जियो के उतारे गए प्लान से एयरटेल को लग रहा है कि इससे उसके कारोबार को चोट लगेगी, साथ ही डीटीएच का बिजनेस भी ठप पड़ जाएगा। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल ने 29 मार्च को ट्राई के यहां शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि जियो लाइव टीवी और ओवर द टॉप यानी ओटीटी एप्स पर ब्रॉडकास्टिंग को इजाजत दे रही है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और डाउनलोडिंग रूल्स के खिलाफ है। एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और मोबाइल सर्विसेज के अलावा कंपनी होम ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस भी देती है। एयरटेल की इस शिकायत पर जियो की तरफ से कड़ी टिप्पणी आई और उसने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए ट्राई से कहा कि वो एयरटेल को सख्त चेतावनी दे कि वो दोबारा इस तरह की बेबुनियाद शिकायतें ना करें। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अब ट्राई ने इस पूरे मामले में मोर्चा संभाल लिया है और उसने इस शिकायत की जांच शुरू कर दी है। और क्या भारतीय एयरटेल और जियो के हाल में ऑफर किए गए ब्रॉडबैंड प्लान्स में टैरिफ और ब्रॉडकास्ट रूल्स का उल्लंघन किया गया है? अब जहां ट्राई ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं देश की सबसे बड़ी डीटीएच ऑपरेटर टाटा प्ले ने, जिसका पहले नाम टाटा स्काई था, दोनों ही ऑपरेटरों यानी जियो और एयरटेल पर प्रीडेटरी प्राइसिंग का इल्जाम लगाया है। ट्राई ने इस मामले में दोनों ही कंपनियों से जवाब मांगा है और इसके रिस्पांस के आधार पर ट्राई आगे एक्शन लेगा। देश के ब्रॉडबैंड मार्केट की बात करें तो रिलायंस जियो ने तेजी से इस मार्केट में टॉप पोजीशन हासिल की है। जनवरी 2023 के ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 51.72% है, जिसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की सर्विसेज शामिल है। दूसरी पोजीशन पर भारतीय एयरटेल है, जिसके पास ब्रॉडबैंड बाजार का 28.29% हिस्सा है। वोडाफोन आइडिया 14.9% से मार्केट शेयर के साथ तीसरे पायदान पर है, जबकि सरकारी कंपनी यानी BSNL इस मार्केट शेयर के अंदर महज 3.22% की हिस्सेदारी रखती है। एयरटेल को लग रहा है कि जिस तरह की सस्ती कीमतों का ऑफर जियो दे रही है, उससे उसके मार्केट शेयर के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और यही वजह है कि देश का ब्रॉडबैंड बाजार नई जंग का सामना कर रहा है।